लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी भी जिंदगी
फूल हो दिल जो गरीब का तुमको कबूल हो आप सा कोई हसी दिल दुखाओ दिल नशी आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं आप सा कोई हसी इन हसी आंखों से दिल का पैगाम लो एक दीवाने का पहला सलाम लो दिल दुआए देगा गिरते तो थाम लो इन हसी आंखों से दिल का पैगाम लो एक दीवाने का पहला सलाम लो आए देखा गिरते को थाम लो सोच रही हूँ रीता सोच रही थी जिंदगी की एक और शाम कट गई तमाशा करते हुए जानती हो आज कैसी लग रही थी तुम जैसे कोई शहंशाह की मलका है दिल उल्फत का ताज पहनकर सातवें आसमान से जमीन पर उतर आई हो सातवें आसमान से जमीन पर उतर आई हूँ इधर उधर भटकने के लिए कैसी बातें कर रही हो रीता बहुत थक गई हूँ मयूर जल्दी से कपड़े बदल लो और सो जाओ कपड़े बदल के सो जाने से क्या मेरे सुलगते हुए अरमान भी सो जाएंगे मयूर मैं तंग आ गई हूँ हमारी जिंदगी से आज हम बुटालिया में है कल पता नहीं कहाँ हूँ मेरे तमाशों की तलाश में कहीं हमारी जिंदगी एक तमाशा ना बन जाए मयूर मैं तुम्हारी उलझन समझता हूँ रीता जब तुम्हारे चेहरे पर मायूसी देखता हूँ तो अपने आप को पापी समझने लगता हूँ और सोचता हूँ तुम एक वो हीरा हो जिसकी जगह एक शहंशाह के ताज में थी मैंने उसे अपने बेबस दिल में जगह देकर जैसे उसका नूर छीन लिया हो मैं पत्थर का बेजान टुकड़ा हीरा नहीं
एक औरत हूं मयूर, तुम्हारे प्यार की भूखी हूं। मुझे एक घर चाहिए, बच्चे चाहिए, एक जिंदगी चाहिए जो हमारी अपनी हो। थोड़ा और सबर कर लो रीता, हम शादी करेंगे, हमारा एक अच्छा सा घर होगा, बस थोड़े पैसे आ जाने दो। पैसे कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहां से आएंगे मयूर? मैं पैसे खींच कर ले आऊंगा। आज तुम्हें झूठे मोती से सजना पड़ता है, तुम्हारी कसम यही मांग मैं सच्चे मोती से भर दूंगा। ये नहीं है वो एक्टर, मेरे बचपन का यार, और ये रीता। हिंदुस्तान में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मैं इससे बहुत सीनियर। वेरी गुड, वेरी गुड। विश करता हूं कि पूछा मैं हमारा क्या पोजीशन है। ये यहाँ के लॉर्ड मेयर सर जोजो सहस्त्रमित, और लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं कि बराबर 20 साल से ये मेयर बने चले आ रहे हैं। थैंक यू। और इतने भले आदमी हैं कि अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर एक के दुख सुख, जीना मरना, रंग खुशी बुरा अच्छा, लेना देना, शादी ब्याह, हंसना मरना, ऊंच नीच, क्या सुबह दावत पार्टी, खाना पीना, दान दहेज। तुम्हें तो कितना मस्कर लगा है, कितना मस्कर लगा है, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अरे क्या खास प्रमोशन पक्का साहब, 10 साल से हर सुबह आपको मटका लगाता हूँ और खुद सूखी डबल रोटी खाता हूँ, प्रमोशन किधर है? दस साल का बाद इधर करता है ये बात, सुबह मुंशी भाई के करो, अभी तुम हमारे फ्यूचर की उसका हमारा भूतालय खर्चा लगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, आप खुद ही पूछ लो। हाउ यू लाइक माय भूतालय? अभी अभी पूरा नहीं देखा। पूरा नहीं देखा? हमारा अधूमरा देखा। अधूमरा? अदुम्रा यहाँ के एक सदियों पुराने शहंशाह की यादगार है, और कहते हैं कि उस शहंशाह के पास जितना खजाना था, क्या मतलब है? है, 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 वो एक यादगार के नीचे दफन। खजाने से याद आया, अभी हमारा अपॉइंटमेंट वजीर खजाने के साथ है। चलो चलो पार्टी में जुड़वा देंगे। इसकी बात का बुरा नहीं मानना, साले के सारे पेड़ भीगे हैं। आपको टाल दू सब हमारा मुंशी पंडित इंजीनियर, इधर इंजीनियरिंग क्या करता है? यही वो मशहूर जगह है, यही वो तारीखी जगह है जिसका नाम आपने किताबों में पढ़ा होगा, जिसका नाम आपने कहानियों में सुना होगा, जिसे लोग दुनिया में अदूमबरा के नाम से पुकारते हैं। अदूमबरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखने में ये इमारत आपको सादा लगती है, मगर आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार इसकी निगरानी रखती है, इसको नुकसान पहुंचाने वाले को सजा दी जाती है। असल में ये शहंशाह चांदी सोना की कब्र है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी तारीख में लिखा है कि आज से कई हजार वर्ष पहले जब शहंशाह चांदी सोना का आखिरी वक्त आया तो उनको दफनाने के लिए इसी जगह को चुना गया जहां मकबरा बना हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नियत से कि शहंशाह का आखिरी सफर भारी न हो, तो बेशुमार दौलत उस शहंशाह के खजाने के साथ साथ उनके नजराने भी यहीं दफना दिए गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहीं पे, यहीं पे। तुम्हारा मतलब है वो तमाम बेशुमार खजाना आज भी यहाँ पर दफन है? जी हुजूर। क्यों? क्योंकि हुजूर इस मकबरे की इमारत बहुत ही मजबूत है, इसका एक एक पत्थर आपस में इस कदर जुड़ा हुआ है कि अगर 10,000 आदमी 10 बरस तक भी इसको तोड़ने की कोशिश करे तो नहीं तोड़ सकते। मगर मिस्टर गार्ड, गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल लेती इस खजाने को? नहीं नहीं, इसको कोई नहीं निकाल सकता, उस बादशाह की रूह इस खजाने की हिफाजत कर रही है, इसे इसकी जगह से कोई नहीं हिला सकता। सरकार इसकी निगरानी रखती है, इसको नुकसान पहुंचाने वाले को सजा दी जाती है, इसका एक एक पत्थर आपस में इस कदर जुड़ा हुआ है कि अगर 10,000 आदमी 10 बरस तक भी इसको तोड़ने की कोशिश करें तो नहीं तोड़ सकते। नहीं नहीं, इसको कोई नहीं निकाल सकता, उस बादशाह की रूह इस खजाने की हिफाजत कर रही है, इस
को इसकी जगह से कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता। मैं एक औरत हूं मयूर, तुम्हारे प्यार की थी। मुझे एक घर चाहिए। मैं तुम्हारी उलझन समझता हूँ रीता। बच्चे चाहिए। थोड़ा और सबर कर लो। एक जिंदगी चाहिए हमारे जो हमारी अपनी हो। मुझे एक घर चाहिए। थोड़े पैसे आ जाते। एक जिंदगी चाहिए जो हमारी अपनी हो। यही मांग मैं सच्चे मोती से भर दूंगा। हेलो मयूर, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया, घर गया, पता चला तुम यहाँ। अच्छा, कुछ काम है क्या? काम? काम तो कुछ नहीं, यूं ही तुमसे मिलने को जी चाहा तो चला है। तो आओ, आराम से बैठकर बातें करेंगे। आओ। पता चला है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। जा तो रहा हूँ। रश्क आ रहा है तुम पर। क्यों? अब तो मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। फिर आए क्यों थे? मजबूरी, लेकिन यहाँ भी तनख्वाह कम है, चलता ही नहीं। अमर, एक काम करो। क्या? अतुबरा में जो खजाना गड़ा है उससे निकाल लो। ख्याल बुरा नहीं। तुम्हारे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आया? पांच दफा आया, लेकिन निकालूं कैसे ये बता दो। मैं भी हिस्सा दे दूंगा। सुरंग खोद के निकाल। सुरंग खोदना आसान नहीं, बहुत पथरीली जमीन है, अंदर चट्टाने हैं। अच्छी तरह मालूम है तुम्हें? यार तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सचमुच खोदने का इरादा हो। एक बात बताऊं? बताओ। राखी खोदने का इरादा है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। कमाल है, जो भी यहाँ आता है वो मुझसे यही कहता है कि खजाना लूट लो। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। ये मैं शक्ल से चोर नजर आता हूँ? ये बात नहीं अमर, इतनी दौलत बेकार पड़ी है जमीन के नीचे, किसी के काम नहीं आ रही। लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? एक्टर आदमी हो, तुम्हारे पास तो बहुत माल होगा। ये तो सब बाहर की हवा है, अंदर। लेकिन एक बात सोच लो, ये काम अगर इतना ही आसान होता तो लोग पहले से ये खजाना निकाल कर ले गए होते। फिर ये एक छोटा सा शहर है, यहाँ हर आदमी एक दूसरे को जानता है। तुम के लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। ये काम तुम सरकारी तौर पर हो। वो कैसे? तुम एक सरकारी इंजीनियर हो, खजाने के आसपास की जमीन कहीं धस ना जाए, कोई और खराबी ना हो, इसकी जांच पड़ताल करने का तुम्हें पूरा हक है। सोचा इस बारे में? नहीं मयूर, ऐसा करना ठीक नहीं। ये चोरी है, डकैती है। डकैती? हम किसके माल पे डाका डाल रहे हैं? ये खजाना किसी ऐसे आदमी खानदान का नहीं जो जिंदा हो और जिसका हक हम छीन रहे हो। ये तो एक गुजरा हुआ वाकया जो कभी हुआ था, तारीख का एक ऐसा भूला हुआ सबक है जिसकी याद ताजा करता रहता है तुमरा, और अभी तक बचा हुआ इसलिए है कि लोग जाहिल और वहम परस्त हैं। वो समझते हैं अगर ये खजाना निकालिया तो उन्हें शराब मिलेगा। लेकिन मयूर, हम अपने को दूसरों से अलग करके सोचो। अगर हमने अपनी जान की बाजी लगाकर यह खजाना जो किसी के काम नहीं आ रहा निकाल लिया तो किसी के तो काम आएगा, तुम्हारे और मेरे। ये खजाना जो जमीन के नीचे गड़ा है इसे खोदकर बाहर निकालो, हम दोनों का फायदा होगा और हमारे जरिए हजारों और इंसानों का फायदा होगा। सोच लो, अगर ये सुनहरा मौका हमने खो दिया तो जिंदगी भर पछताएंगे। मयूर, मेरे अंदर जो शोला बुझा हुआ था आज तुमने उसे भड़का दिया है। मिलाओ हाथ। मेरे लिए चोरी करोगी? टाका डालोगी? ये काम तुम नहीं, मैं करूंगा। तुम? तुम्हें खुश रखने के लिए। तुझे भूल के माटी की पुतली पर
कोई मन की खिड़की खोल रहा जिसमें तेरा नाम तुले उसमें जग चांदी सोना तोल रहा अपना क्या है हम तो अनजाने ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने अपना क्या है हम तो अनजाने ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने जीवन पथ पे लिख ले दो पल को हम तो अपने जी को बहलाने ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने यारा दुनिया कैसी तू जाने चादर फैलाई चंदा सूरज की जोत जगाई तूने जब दुनिया ये बनाई धरती की चादर फैलाई चंदा सूरज की जोत जगाई ओ यारा पर जिसके लिए जग तूने रचा वो करके इसे वीरान धरती की चादर छीन चुका अब चांद और सूरज मांग रहा ये तेरे बंदों के अफसाने ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने जीवन पथ पे लिख ले दो पल को हम तो अपने जी को बहलाने अपना क्या है हम तो अनजाने ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने आओ मेयर चेंग तुम जा सकते हो कहो दोस्त किस नतीजे पर पहुंचे मुसीबत का काम है लो क्या है अंदर चूने का पत्थर चूने का पत्थर बड़ी वाहियात चीज है यह बिल्कुल स्पंज की तरह होता है जगह जगह से कटा हुआ ऐसी जमीन में अंदर गार भी होते हैं और एक दफा तो एक जगह से पानी भी निकल आया था पानी हाँ पानी इसका दूसरा मतलब यह है कि नीचे जमीन में चश्मे और पानी की छोटी छोटी नदियां फिर क्या करें तुम्हें बताओ तुम फैसला मेरा फैसला यह है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब शैतानी काम मुझे तो सोच सोच के डर लगता है अब ये डर वर छोड़ो अमर करना कैसे ये बताओ वो भी सोचते हैं मगर एक मकान भी तो चाहिए सुरंग जिसके अंदर से खोद कर ले जाएंगे ये नक्शा देखो आप ये देखो यहां तीन बंगले हैं खुदाई के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती इस बंगले में पहरा देने वाले गार्ड रहते हैं यहां से खुदाई नहीं हो सकती ये पुलिस कमिश्नर का बंगला है यहां से भी मुमकिन नहीं अब सिर्फ ये एक ही मकान रह जाता है जहां से खुदाई हो सकती है क्योंकि यह आदमबरा से बहुत करीब है लेकिन यह बंगला माया देवी का है अगर यह ना मिला फिर यह काम नहीं हो सकता अमर मुझे नक्शों से बड़ी उलझन होती है मुझे असली जगह दिखाओ चलो वो अपने यहां किसी को रखने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उन्हें मालूम हो गया कि उनके घर में रहने वाला चोरी करने आया है तो नहीं मालदार है लेकिन साथ कुछ दाम दे दिया है अमर अगर उन्हें हम अपने काम में साझी बना ले तो इम्पॉसिबल ठीक है थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी
बिना मुश्किल में पड़े कामयाबी मिलती भी तो नहीं। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर क्यासा हो गई। अमर हम जा कहां रहे हैं? अपने दोस्त विक्रम और शेरू के पास। मैं अपना प्लान उन्हें समझाना चाहता हूँ, मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। मेरी पूछो तो सब गलत। नामुमकिन। क्यों? एक तो उस खजाने को निकालना ही जुर्म है, उसके अलावा चार और मुश्किलें भी तो सामने हैं। पहली मुश्किल उस जगह को खोदना। मशीन से तो काम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत आवाज होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हाथों से खोदा जाए। खोदा जा सकता है, इसका अंदाजा मैंने तभी लगा लिया था जब हम लोग कान तलाश कर रहे थे। और फिर एक दिन में 3 मीटर से ज्यादा सुरंग खोदी भी नहीं जा सकती। इस हिसाब से 240 मीटर खोदने में कितने दिन लगेंगे? 80 दिन। दूसरी मुश्किल, बारिश का मौसम 40 दिन में शुरू हो जाएगा। बरसात में सुरंग के अंदर से पानी के चश्मे फूट पड़ेंगे, नतीजा हम सब डूब जाएंगे। जो भी मुश्किल हो, काम तो यह करना ही है। हम रात को डबल शिफ्ट करेंगे ताकि 80 दिन का काम 40 दिन में खत्म हो जाए। वैसे विक्रम, मैंने भी काम का अंदाजा कुछ बढ़ाकर ही लगाया था। मेरा ख्याल है कि हम अपना काम बारिश शुरू होने से पहले खत्म कर लेंगे। मगर मजदूर कहां से लाएंगे? तुम जानते हो किसी को? और फिर बाहर से भी तो नहीं मंगवा सकते, छोटी सी जगह है, लोगों को शक होगा। अगर मजदूर यहीं के हो तो? आजादी के बाद जितने हिंदुस्तानी यहां रह गए सब बड़े ऑफिसर्स हैं। और फिर जितने भी यहां के रहने वाले लोग हैं वो तो इस काम के नाम से ही डर जाएंगे। खुदाई के बाद जो मट्टी और पत्थर निकलेगा उसको कहां फेंकेंगे? तुम उसकी फिक्र न करो, उसका प्लान मेरे दिमाग में है। क्या प्लान है? हम लोग स्विमिंग पूल बनाएंगे। स्विमिंग पूल? अरे स्विमिंग पूल तो सिर्फ एक दिखावा होगा। दिन को म्युनिसिपैलिटी के वर्कर स्विमिंग पूल खोदेंगे और रात को इसी स्विमिंग पूल में से हम लोग सुरंग खोदेंगे और सुरंग की मिट्टी को उठाकर स्विमिंग पूल की मिट्टी से मिला देंगे। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा समझ लो कि ये सब काम हो गया। अब ये बताओ, अगर खजाना मिल गया तो ले कैसे जाओगे? और कहां ले जाओगे? हिंदुस्तान ले जाएंगे और कश्ती से ले जाएंगे। एक बड़ी कश्ती की जरूरत पड़ेगी। और कश्ती किसकी लोगे? तुम्हारी। तुम किस दिन काम आओगे? विक्रम से क्या फैसला किया? अभी तक तो कुछ भी नहीं, लगता है उनका इरादा नहीं। hey, ठहरो ठहरो ठहरो। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अमर मुझे तुमसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके आ गया। देखो अमर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो। मुझे तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल पसंद है, लेकिन तुम और तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है और ये दोस्ती मैं कायम रखना चाहता हूँ। इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। वो क्या? मकान खरीदने के लिए पैसे देता हूँ। मगर मैं मकान एक शर्त पे बेचूंगी। क्या शर्त है माँ जी? ये मकान बाग जो भी कुछ है सब आपके कब्जे में होगा, आप इसके मालिक होंगे। मगर कॉटेज में आप नहीं, मैं रहूंगी। खरीद लीजिए। हमें मंजूर है। Mm-hmm.
महल ख्वाबों के लिए। तड़पे दिल पलकों के पीछे कितने महल ख्वाबों के लिए। खुलते कभी तो महलों के दर, जलते कभी अरमां के दिए। तू हंसती एक गुल की तरह, मैं गाता बुलबुल की तरह। मन तो पहचान मेरी, मोतियों से भर दूंगा मांग तेरी। ओ जलते सीने में अब तो यही अरमान पले। फिर भी इस जलते सीने में अब तो यही अरमान पले। चांदी के सोने के खजाने रख दूं तेरे कदमों के तले। उठता है तूफान लुटे, लुटती है तो जान लुटे। स्विमिंग पूल बना रहे हैं। स्विमिंग पूल? काश हमसे इस बारे में पूछे बिना। बोंजूर मैम। मैम तुम हमारे म्युनिसिपालिटी में काम करते हैं कि इधर स्विमिंग पूल बनाते हैं तुम? सर स्विमिंग पूल तो ये लोग बनवा रहे हैं। ओह मयूर अस्सी बाला वजीन जी चर्मी दिस बिफोर बाबा तुम हमको बोलते तो हम अपना पूरा फौज भेज देता, सर आदमी भेजता, फटाफट स्विमिंग पूल बन जाता। आप इतने मसरूफ आदमी हैं, आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। ना 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 ना, फ्रेंडशिप माय लाइफ इज माय लाइफ। हमारे देश में कोई मेहमान लोग आता है उसके लिए हम जान देता है। हुकुम बोलो हुकुम। अगर यहाँ मौजूद है तो मैंने सोचा तुम हमारे म्युनिसिपालिटी में उधर पगार लेता और तुम मसरूफ नहीं है, तुम इधर पिकनिक पर है। सर अगर आपको कोई मुझसे शिकायत है तो जाकर तुम हमारे दफ्तर में अगर बात करो। हमारे इधर क्या बात करता है? ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। की हैसियत से हम इस प्रोजेक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट लेता है। इस स्विमिंग पूल में देखो कितना खर्चा आएगा, इसका क्या एस्टिमेट है हमको बोलो। बहुत कम हजूर, आपके सर की कसम। हमारे सर की कसम या तुम्हारे सर की कसम? ये तुम्हारे वास्ते चैलेंज है। चैलेंज? यस, आजाद बुटालिया का यही इज्जत का सवाल है। और हम हिंदुस्तानी लोगों को बताना मांगता हूँ कि हम इधर कैसे काम करता है। यंग नेशन मान, यंग नेशन। तो हजूर का ये मतलब है? That's right. इस वास्ते सब काम फर्स्ट क्लास करो और सब मांगता है फटाफट। वेलकम टू बटालियन, वेलकम टू बटालियन। अमित बाबा तुम शेरों और विक्रम को पहले ही से मिला दिया। हम सरप्राइज देने वाला था, तुम खराब कर दिया। हमेशा तुम हमको मारता है। मारेगा तो आपको ऊपर वाला। डैम गुड, अभी तुम्हारे वास्ते कमाल की चीज दिखाएगा। कमाल कमाल, हाय कमिश्नर, हाउ आर यू, लुक आफ्टर माय गेस्ट। गुड इवनिंग सर। कमाल श्रीराम, आई कैन डू इट।
Hey, come on, please. Be serious with that. Sit down, sit down. Sit down, my love. Will you sit down? All right, ladies and gentlemen, look after yourself. Have some nice champagne, whiskey, gin, brandy, whatever you feel like. Enjoy yourself. Hey. Ladies and gentlemen, abhi main aapko ek aur surprise batata hai. Hey, Namamba! Makamba! Zumba! Zumba! सो जाना, देख तेरी आंखें नींद से भारी हो गई हैं। ज्यादा देर जागेगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक तू मेरे साथ इस जेल में है तो मेरी तबीयत खराब ही रहेगी। तू ऐसी क्यों बातें करता है? मैं तो तुझ पर जान देता हूँ। हरामी की औलाद, जान देता है इसलिए तो मुझे नींद भी नहीं आती। जरा सी आंख लगती है तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तू तो खामुखा नाराज हो गया है। क्या खराबी है? उल्लू के पट्टे न सोते न सोने देते हैं। ये सब इस हरामी की वजह से। साले गुंडे बदमाश, जरा सा भी चैन नहीं लेने देते हैं। और साले तू क्या चिल्ला रहा था? अरे मैं उल्लू के पट्टों को चुप रहने के लिए कह रहा था उस्ताद। उस्ताद? साले तेरा उस्ताद बन के ही तो मैं मुसीबत में फंस गया। फंसता है? साले मैंने इतने साल जेबें काटी, आज तक नहीं पकड़ा गया। तुझे सिखाया और पहले ही हाथ में पकड़ा गया। और साले तेरी वजह से मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ी।
अनाड़ी का बच्चा। सो जा भाई लोग, सो जा, काटता है, सोता हूं। मिसेस जोजो, ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, आप यहाँ रोज आती हैं? रोज तो नहीं, कभी कभी चली आती हूँ। बस मैं तो सोशल वर्क समझकर करती हूँ। अस्पतालों में मरीजों को देखने जाती हूँ, अनाथ आश्रम में जाती हूँ, बस इसी तरह कभी कभी यहाँ भी चली आती हूँ। क्या किया तुमने वहाँ? करती क्या, कैदियों को कैसे खाना देते हैं वो देखा, उनसे बातें की। शायद यही रास्ता है हमारी मुश्किल का। क्या तुमने कुछ कहा? रीता, तुम फिर कब जा रही हो वहाँ? लानत है, मैं अब वहाँ फिर कभी नहीं जाऊंगी। हालांकि मिसेस जोजो वहाँ फिर जाने के लिए कह रही थी। मैं चाहता हूँ तुम जाओ। क्यों? बहुत जरूरी है, इस जगह का अच्छी तरह से मुआयना करो। किसी जगह का नक्शा बनाने में तुम कैसी हो? नक्शा? डायनामाइट बहुत काम आएगा, बट बी केयरफुल। मुझे दिखा। हाय हाय हाय,
अबे बनमानुस, तू क्या इतनी गौर से देख रहा है? तुझे पढ़ना आता है क्या? मुझे पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ? संतरी को तो आता है, मैं उससे पढ़वाता हूँ। संतरी साहब, अबे संतरी साहब, इस धागे को खींचो। किसको? है उसको। अरे वाह, चिट्ठी चिट्ठी कमाल है। दीले, दीले। अरे उस साल अभी तक ये खोलना नहीं आया। पढ़ साले, पढ़ते। दो लोहे के हुक, पहले को दरवाजे की सलाख में अटका दो, दूसरा खिड़की की सलाख में। क्यों? अरे उस साल कोरोना जो लिखा है अपने को फांसी फांसी होगी पहली जेल में। अच्छा, ये उल्टा लगा दो। संभाल के ना, इधर लगाता हूँ। अब अटका। मालूम हुआ मकानों में खिड़कियां और दरवाजे क्यों होते हैं? क्यों क्यों क्यों? दरवाजे अंदर आने के लिए, खिड़कियां बाहर जाने के लिए। भागो साले भागो। खुदा सही सलामत गिरा दे। शुक्रिया।
आज से तुम लोग सब इस कमरे में रहोगे, समझे? सब जगह पुलिस तुम लोगों को तलाश कर रही है। कोई भी यहां से बाहर निकला तो फिर से उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। तुम सबसे वादा करते हैं तुम सबको जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने से पहले एक शर्त है। क्या शर्त है साहब? हमें एक सुरंग बनानी और उसके बनाने में तुम सबकी मदद की जरूरत है। जिस दिन सुरंग बन जाएगी तुम सबको छुट्टी मिलेगी और साथ में इनाम भी। सीधे खड़े रहो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि यह काम दिन में नहीं होगा, रात को होगा, समझे? समझ गए, ठीक है, समझ गए। अब तुम लोग आराम करो और याद रखो शोर नहीं मचाना। साहब साहब मुझे इनके साथ छोड़कर मत जाइए, मैं पागल हो जाऊंगा साहब। क्यों पागल हो जाओगे? अरे साहब ये सब के सब मवाली हैं। क्या बोला मैं? छोड़ो सर। ए जॉर्जी बैठ जाओ। हाँ अब्दुल्ला साहब, मैं एक पैदाइशी कलाकार हूँ। मुझे गाना गाने का बेहद शौक है। आपने वो सैगल बाबू का गीत तो सुना ही होगा, अरे सो जा राजकुमारी। ये सबके सब कोरे साहब, इनके भेजे में भूसा भरा हुआ है। ए हे, इतना कमजोर जवान हो के उसकी गालियां सुन रहा है? तू एक तरफ हट, लिपट मत। अबे ओ छुटके, तू बहुत गड़बड़ कर रहा है। गाने का शौक है तो गाओ अब्दुल्ला, कौन तुम्हें रोकता है? नहीं साहब, मैं गाना नहीं गा सकता। क्यों? साहब जैसे ही मैं गाना चालू करता हूँ इस बनमानुष को छींके आने लगती है। और ये साला छक्का। ए तू छक्का किसको बोलता है? तेरा छह नंबर है कि नहीं? इधर इधर। हाँ चलो, चलो। ये इस गेंडे से लिपटने लगता है और ये पहलवान मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? हाय हाय, अरे मैं तो तेरे इसी भोलेपन पे मरता हूँ। साहब हम भी इसे अपने साथ नहीं रखेंगे, ले जाइए। हाँ ले जाइए इसे। अमर, अब्दुल्ला को घर के काम पे लगा देते हैं, दिन में वहीं काम करेगा। ठीक है अब्दुल्ला, तुम हमारे साथ आओ। बंदर कहेगा री मेरे मन मंदिर घनश्याम। मेरे मन ये संतूर वादन कहां से? मेरे तरंग। हाय 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 साहब साहब। दरवाजा खोलो। नहीं साहब मैं पकड़ा जाऊंगा। घबराओ नहीं, जाओ खोलो, जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग मिसेस जोजो। आई नो, गुड मॉर्निंग मिस्टर मयूर। इसे क्या हुआ रीता? हेलो मिसेस जोजो। हेलो हेलो रीता डार्लिंग, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। ये कौन है? ये हमारा नया नौकर है, बड़ा शर्माता है। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछने आई थी कि तुमने आज का अखबार पढ़ा? हमारे कुछ कैदी कैदी नहीं तो मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। आप अंदर आइए ना। हम लोग सुरंग यहां से शुरू करेंगे। मजदूरों का क्या करोगे? सुबह को जब काम पर आएंगे देख नहीं लेंगे इतना बड़ा छेद बना है? तुम छेद की परवाह ना करो, मैंने इसके लिए एक ढकना बनवा लिया है, वो इस पर लगा दिया करेंगे और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। स्विमिंग पूल और सुरंग बनाने में एक तरह की दौड़ होगी, अगर स्विमिंग पूल का काम पहले खत्म हो गया तो गए काम से। इस छेद को भी वो सीमेंट से भर देंगे। स्विमिंग पूल का काम पहले खत्म नहीं होगा। कैसे? अरे भाई ये दफ्तरी, इधर आओ। अरे भाई ये दफ्तरी काम फाइलों से चलता है, ऊपर की फाइल को नीचे कर दूंगा। मैंने हालांकि ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन ये तो स्पेशल केस है ना, और फिर सीमेंट का कोटा जो आज मिलने वाला है वो छह महीने के बाद मिले, इसलिए पूल बन ही नहीं सकता। मगर उस पागल जोजो का क्या करोगे? उसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठेगा? अरे वो उन्नू की दुम फाकता तो मेरे बस में भी नहीं, मगर अभी से क्यों घबराना, जब कोई ऐसा मौका आ गया तो उस आरामदादे को भी देख लेंगे। चलो काम शुरू करें। चलो दोस्तों काम शुरू हो जाए। ये नेक काम नेक हाथों से शुरू होना चाहिए। क्यों भाई लो। मैं? हाँ।
चलो। पहली रात में इतना काम बुरा नहीं। तुम ठीक कहते हो वर, वेल बिगन हाफ डन। लेकिन एक बात है, कल से हमें दो शिफ्ट करनी पड़ेंगी, एक शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक और दूसरी रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। वो इसलिए कि अगर कोई आ जाए तो हम दोनों में से एक तो बाहर हो। वेरी गुड आइडिया। तुम लोग फिर बदमाशी पे तुले हो? नहीं, चलो काम करो। नहीं साहब, हवा बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं लग रहा? लग रहा है, मगर इसका मतलब नहीं कि काम ना हो सके। चलो काम करो। अरे अरे, ये तो गया साहब, आपकी मेरी फिर आपकी बारी है। जाने दीजिए साहब, बत्ती चली गई। अरे बत्ती चली गई, बत्ती जाने का मतलब समझते हैं आप? हाँ समझता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, टॉर्च चलाओ। टॉर्च, टॉर्च की तरह ये, ये, साहब जाने दी इसको, अपन चलते हैं। नहीं अब्दुल्ला, इसको ले जाना पड़ेगा। चलो हाथों। हेलो अमर। हेलो मयूर, माफ करना मैं सोता रह गया, काम कैसा चल रहा है? उन लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया। क्यों? टनल में हवा नहीं। वो पंप अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं। हेलो, अरे अजीब घनचक्कर आदमी हो, वायदा करके अभी तक पंप नहीं भेजा क्या? मेरा टेलीफोन नंबर तो था, तुम्हारे पास फोन कर दिया होता। गधे, जरा जोर से बोलो। क्या कहा? इंपोर्ट करना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। जहन्नुम में जाओ उल्लू के पट्टे। अमर, एक आइडिया है। क्या? वो जो पानी फिल्टर करने की मशीन है, अगर उसे इस काम में ले आए तो? श्योरली गुड आइडिया, तुम चलो मैं रात को मिलता हूं। अच्छी बात है। आने दे, आने दे, आने दे, ले ले, खींचे बे। मयूर, हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, भगवान का नाम लो, शुरू करता हूं। अबे ओ खच्चर, ये पाइप यहां रह गया, तू आगे चला जा रहा। चल फिर चले, फिर चले। हाय 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 हाय, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाह भाई, मजा आ गया, दिल की कली खिल गई प्यारे। हाय 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 हाय, काम करने की जगह नाच रंग और गाने बजाने का प्रोग्राम होना चाहिए। ये वक्त तो राग जय जय वंती का है। हरी में तो मन मंदिर में अब्दुल्ला बनी, तुम लोगों ने फिर वही शुरू कर दिया है। छोटा चलो काम करो। साहब, साहब इस भेड़ के टके को अस्पताल भेजो, इसकी छील को मैं इलाज कराओ, मैं इसके लिए गाना नहीं छोड़ सकता। तेरी मोरे। बस बस बस, आज इतने ही रहने दो, बाकी कल गा ले। नहीं साहब, गाना ऊपर को आ रहा है। अब्दुल्ला काम करो, चलो।
जमाने की हवा ठंडी, चाहे जितनी भी आग जले इश्क की हवा ठंडी की ठंडी। आजा सबके सब ठंडे। अरे ठंडी ठंडी, तोड़ के टुकड़े की तरह, तोड़ के टुकड़े की तरह दे दिया साफ जवाब। उनके गले में फंस गई उनकी आवाज। तुमसे कहा था कि इन उल्लू के पट्टों को यहाँ मत बुलाओ, सब गड़बड़ कर देंगे, कुछ करो। सर एक मौके माल का शेर याद आया है, इजाजत हो तो पेश करूं। छोड़ेंगे छोड़ेंगे। किसी की शबे वसल हंसते कटे है, किसी की शबे हिजर रोते कटे है। ये ब्लडी फोफो अमर बाबा तुम्हारे रात कैसे कट रहा है? हमारी ये शब कैसी शब है कि यारब न हंसते कटे है न रोते कटे। Ladies and gentlemen, अब अमर बाबा खबर सुनाएगा। एक शोख हसीना से अरमान भरी शादी। वाह मियां वाह, आदाब रे। मौसम ये जवानी का, ये प्यार की आजादी। तुमको भी मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो। तुमको भी मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो। एक शोक हसीना से अरमान भरी शादी। मौसम ये जवानी का, ये प्यार की आजादी। तुमको भी मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो। तुमको भी मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो। एक शोक हसीना से अरमान भरी शादी। मौसम ये जवानी का, ये प्यार की आजादी। कहो ऐ जान जाना, तुम्हें क्या दे नजराना। दुआ मालिक से मांगो, मिल जाए हमको खजाना। कहो ऐ जान जाना, तुम्हें क्या दे नजराना। दुआ मालिक से मांगो, मिल जाए हमको खजाना। मुश्किल के हैं हम आदि, हिम्मत है तो क्या मुश्किल, मुश्किल के हैं हम आदि। एक शोख हसीना से, एक शोख हसीना से अरमान भरी शादी। मौसम ये जवानी का, ये प्यार की आजादी। तुमको भी मुबारक हो, हमको भी मुबारक हो। एक शोक हसीना से अरमान भरी शादी। मौसम ये जवानी का, ये प्यार की आजादी। यहाँ तो आँख भी मिलाना मुश्किल है, यहाँ तो सामने भी आना मुश्किल है। सामने आ गए तो जाना मुश्किल है। ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, जाना मुश्किल है। यहाँ तो
क्या है, पर हम दम है अगर हम तो तुम्हें गम क्या है, मेरे होते हुए ये सांस है क्यों सर्द तेरा, ये जहां गर्द जवां मर्द है हम दर्द तेरा। झूम लहरा के झूम सरा झूम लहरा के हाँ झूम लहरा के झूम सरा झूम लहरा के झूम लहरा के सरा झूम ये हलचल कैसी, ये मेरा दिल तेरी मंजिल है तो मुश्किल कैसी, मान लिया तुमने सारा जहां देखा अभी मेरा नक्शा हाँ मेरा नक्शा नक्श मेरा नक्शा तुमने कहां देखा। झूम लहरा के झूम सरा झूम लहरा के झूम लहरा के सरा झूम ये हलचल कैसी, ये मेरा दिल तेरी मंजिल है तो मुश्किल। शादी मौसम ये जवानी का ये प्यार की आजादी तुमको भी मुबारक हो हमको भी मुबारक हो भी मुबारक हो हमको भी मुबारक हे 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 जवानी का ये प्यार की आजादी तुमको भी मुबारक हो हमको भी मुबारक हो तुमको भी मुबारक हो हमको भी मुबारक हो तुमको भी मुबारक चलो काम करो उठाओ मट्टी चलो साहब बदन तो आपका भी बुरा नहीं बेटा अभी तुमने चलो काम करो Bloody hell! What's up? What's up, miss? What's up, Mia? Bloody nincompoop! To the top! Oh, my in the bath! Hey, sorry! Come on, come on! What's all this about? You can't put anything, what? What's your question for that? Yes, Mr. Joseph, there's a work done. ड्रेनेज पाइप की शॉर्टेज ड्रेनेज पाइप की शॉर्टेज नहीं है हमारे बटालियन ड्रेनेज पाइप से भरा हुआ है कितना ड्रेनेज पाइप बनता है हम आपको लाके देगा सुबह लाके देगा टुमारो मॉर्निंग तकलीफ न कीजिए तकलीफ की क्या बात है ड्यूटी ड्यूटी माय ऑर्डर इज ऑर्डर कल सुबह सूर्य निकलने से पहले हम म्युनिसिपैलिटी को बोलेगा सब ड्रेनेज पाइप से फिट कर लेगा और तुम्हारा सब तकलीफ दूर हो जाएगा हे फोफो ये क्या है सर ये पाइप बड़े मुश्किल से मिले हैं पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में से मिस्टर अमर इंचार्ज हैं मगर देने में वो आना का नहीं कर रहे थे सर मैं समझता हूँ मिस्टर अमर आपके सच्चे दोस्त नहीं मिस्टर जोजो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं सर और उनका हुक्म था किसी भी तरह से ये पाइप आपके लिए लेकर आऊँ वो आपको बहुत पसंद करते हैं देखो ये पाइप है ना इसे बिछाना नहीं किसी कोने में डाल दो इम्पॉसिबल सर इम्पॉसिबल मिस्टर जोजो का हुक्म है ये पाइप मैं आज बिछा के नहीं जाऊंगा अगर ऐसा ना किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर ओए चला जल्दी जल्दी करा जल्दी जल्दी बांट लो मैंने बहुत कोशिश की पाइप न का लेकिन वो बिन बाप की औलाद फोफो नहीं माना कहने लगा जोजो साहब का हुक्म है अब कल से वो कंक्रीट डालना शुरू कर देगा कैसे डालना शुरू कर देगा मैं सीमेंट ही नहीं दूंगा सीमेंट हाँ आइए ये देखो जोजो जोजो का बच्चा मेरे पास चले तो इस जोकर का खून कर दूं Thank you.
लानत है इस काम पर। असली काम था सुरंग बनाना, वक्त जा रहा है तोड़ फोड़। चिढ़ते क्यों हूं मयूर? एक दफा तुम्हें तो कहा था कि अगर मुश्किलें ना हो तो कामयाबी का मजा नहीं आता। कहा तो था। आओ भाइयों, हाथ लगाओ, आओ आओ। शाबाश, संभाल के संभाल के शाबाश। चलो चलो, उठा उठा। सब काम गड़बड़ हो गया, इसके बारे में कुछ करने को मांगता है। इसमें किसी की कोई खता नहीं जोजो साहब, आप पर या बुटालिया पर भी इल्जाम नहीं लगा जा सकता। बात सिर्फ ये है कि जो टाइल्स हमने ऑर्डर किया है वो हिंदुस्तान से अभी तक नहीं पहुंचे। हिंदुस्तान से? कई के पहुंचे हिंदुस्तान से? इसलिए कि जितने डिजाइन हम लोगों ने देखे हैं उनमें सबसे अच्छा हिंदुस्तान का है। अगर उसके लिए इंतजार भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, पूल को जल्दी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम सब बहुत खुश है, है ना रीता? बहुत खुश है? कई के पहुंचे खुश है? हम खुश नहीं है, हम बड़ी मजबूर। बताओ डिजाइन हमको। डिजाइन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो डिजाइन का पैम्फलेट मैंने कहाँ रखा था? वो डिजाइन का पैम्फलेट तो तुम्हारी में वेरी वेरी शार्प मेमोरी माय स्वीटी पाई माय इंडियन रोज ला ला ला। दिखाओ दिखाओ। जो साहब, डिजाइन तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कैसा यहाँ बन सकता है? मुझे वही टाइल्स चाहिए। क्यों रीता डार्लिंग? हाँ, मुझे भी वही चाहिए। ऐसी समझा? हम हारने वाला नहीं है। अरे पापा, क्या सोचता है? सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज फॉर यू। लुक लुक दैट ब्लडी फूल जंपिंग फोफो एंड पुटाले स्टाइल्स एंड कंपनी। टाइल्स लगाकर इन्होंने सुरंग का रास्ता फिर से बंद कर दिया। अब अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा, दूसरा बना लेंगे। कहां से? आओ बता दो। चलो, यहां से एक दूसरी सुरंग खोदकर पुरानी सुरंग से मिला देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आइडिया तो ठीक है, लेकिन ये सोच लो कि हम पहले ही 7 दिन शेड्यूल से पीछे रह गए। कोई बात नहीं, अमर दिन रात मेहनत करेंगे। चलो तो फिर रोजाओ शुरू, रामभली करेगा। चलो ठीक है, चलो। हरामी पर छोड़ दे, वरना किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। तेरी जान की कसम, साफ है, इतना लंबा, इतना मोटा जाजी। चल बता किधर है। चल किधर है सांप? अरे जाजी, सच कहता हूँ, अभी इधर था, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलता। ए छोटा जॉर्जी, काम बाप कुछ नहीं है, काम करो, वक्त जाया मत करो, चलो। साहब मैं इधर काम नहीं करूंगा, इसको बोलो इधर काम करे। ठीक है छोटा, तुम इधर काम करो, जॉर्जी तुम छोटे की जगह काम करो, चलो। अच्छा साहब। बाप रे, साहब 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 गुड शॉट मायो। अमर, आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते? तुम हमेशा दूसरों का सोचता है, अपना भी सोचो। नहीं, मैंने एक लंबा सुराग ढूंढ रखा है, उसी में छुपा बैठा रहता हूँ। थैंक यू लव, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट बदल कर आप। हमारे स्विमिंग पूल में? लेकिन वो पूल तो तैयार नहीं, जो साहब उसमें ड्रेनेज पाइप लगाने हैं, पानी का कनेक्शन लेना है, अभी पूल की सफाई करना। तुम्हारे पुटाली को नहीं आता है? हमारा बुटालिया बड़ा विचित्र चीज है, कारण ऑफ इंजन 1250
थोड़ा भी इधर बहुत चमत्कार होता है, एकदम फादा हो जाता है, रात को बहुत जोर से पानी गिरता है, सुबह स्विमिंग पूल रेडी हो जाता है, अभी स्विमिंग पूल रेडी है, प्लीज कमन एवरीबॉडी कम विद मी, कम मिस्टर रॉबिन्सन, कम ऑन मिस्टर बेरी, कम ऑन एवरीबॉडी कम कौन सी पत्रों रामजादे ने तो सत्यानाश कर दिया, मट्टी भी उठाकर फेंकवा दी, जी चाहता है बटेरे की तरह इसकी गर्दन मरोड़कर इसका खून पी जाऊं। बंदा हाँ माँ जी, चलो देखे तो वहाँ क्या हो रहा है। टायरों के पीछे कंक्रीट नहीं है, पानी के दबाव से कभी भी टूट सकती है। स्विमिंग पूल अप है। जो जाजा हो रहा है चल जल्दी चल जा। ज्यादा काम भी नहीं रहा, मुश्किल तो काम में आती है। बहुत हो गया, सारा नाक में दम आ गया। चलो तुम लोग ठहरो, हमारे ये पकड़ेगा तो क्या होगा, सब उगल देंगे, जरूर उगल देंगे और हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। माफ करना रीता, ये सब मेरी वजह से है। अब ये फिक्र छोड़ो, जो होना है हो जाएगा। अमर चलो चलकर देखें नुकसान कितना हुआ है। चलो, सिर्फ 110 गज के फासले पे रह गए यहाँ से अतुमरा। मुझे तो ये 110 गज का फासला ऐसे मालूम होता है जैसे यहाँ से चांद का सफर हो। रीना तुम पीछे हट जाओ, मयूर क्या हो तुम, नीचे गिरा है। वार मालूम होता है वार। ये सुराख तो यहाँ नहीं था। हो सकता है स्विमिंग पूल से जो पानी आया है उससे ये सुराख हो गया। यहाँ की जमीन बहुत कच्ची मालूम होती है,
रीटा तुम एक काम करो, तुम जाकर उन बदमाशों को रोको और उन्हें वापस ले आओ और उनको बताओ कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। जाओ जल्दी करो। हेलो मयूर, मिल गई लालटेन? नहीं, आप नीचे करो। वो बड़ा अच्छा किया तुम इनको वापस ले। हाँ। मैं आ रहा हूं। दिल में
बहार ये घड़ी हाथों के हार दीवानो दीवानो देखो ना देखो ना सदियों से तेरा मेरा था इंतजार मस्तानो मस्तानो देखो ना हाथ हिम्मत के आगे पत्थर के दिल की धड़कन भी जागे धड़कन जगाता चलो मतवाले यहां पहुंचकर ऐसा मालूम होता था कि हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है और हम लोग खजाने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां तो चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है, कहीं रास्ता नजर ही नहीं आता। हमारी कोई तरकीब सोचो। देखो पानी आओ। अमर ये पानी कहां से आया? और पानी का बहाव भी अदुम्बरा की तरफ है, और अदुम्बरा यहां से बहुत दूर भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई 60-70 गज होगा। मयूर अदुम्बरा तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? अब तुम इस पानी में जाना चाहते हो जिसे तुम जानते भी नहीं, न जाने इसकी कितनी गहराई हो, और फिर इसमें खतरनाक जानवर भी तो हो सकते हैं। परवरदिगार अब ये भी झेलना पड़ेगा। चुप्पे, झील होती तो सबसे पहले तुझे उसमें फेंक देता। मयूर विक्रम और शेरू इस काम के लिए बिल्कुल ठीक आदमी है, उन्हें यहाँ लाना होगा। वो लोग मान जाए? अरे उनका बाप भी मानेगा। चलो ये गार हैं, चश्मे हैं, हैरतनाक बात है, ये हमें पहले मालूम ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी जरूरत पड़ गई। तुम दोनों गोताखोरी में माहिर हो। अब सोचो नहीं, और सोचना है तो उस करोड़ों अरबों रुपए के खजाने के बारे में सोचो जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। हमारा हिस्सा क्या होगा? बराबर का। और वो जो स्विमिंग पूल का वाकया हुआ उसके बाद पुलिस और जोजो को कोई शक तो नहीं? उन्हें कोई शक नहीं। तुम्हें यकीन है इस बात का? बिल्कुल यकीन है। और माया देवी? वो तो बेचारी राम नाम जपने वाली देवी है। देवी शेरू क्या ख्याल है? मंजूर मंजूर, आज ही रात से काम शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। Thank you.
लगता है हम लोग बिल्कुल आदमबरा के नीचे पहुंच गए। अमर, आदमबरा यहां से और कितना ऊपर होगा? मेरे ख्याल में 14-15 फुट से ज्यादा नहीं होगा। पानी में गया जहां से मैं रोज आना जाना होगा, कभी भी हमला कर सकता है। अब इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कर दो। ऑल सेट। ओके, स्टैंड बाय।
हेलो, दिस इज मायूर, मैं गोरबक्षण बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहिए क्या बात है? क्या बात है? आपका जनरेटर चल रहा है। जनरेटर जी? इसकी आवाज अभी भी आ रही है। मैं आपके पति से बात कर सकता हूँ? जी माफ कीजिएगा, इस वक्त उनसे बात नहीं हो सकेगी। क्या वो घर में नहीं है? जी है तो, मगर सो रहे हैं। आप उनको जगा दीजिए। जगा तो मैं नहीं सकती, वो नीम की गोली खाकर सोए हुए। नीम की गोली? जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ, तो आप इस जनरेटर का कुछ कीजिए, हम लोग सो नहीं सकते। आई एम सॉरी, मैं भी कुछ करती हूँ। हाँ जी, गुड नाइट। माफ कीजिए, सारी रात आपका जनरेटर चलता रहा। मैंने आपसे दरखास्त की बंद कर दी, उसके बाद भी आपने बंद नहीं किया, बराबर चलता रहा। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, लेकिन दरअसल बात ये, मैं सब कुछ सुनना नहीं चाहता। जी बैठिए ना। थैंक यू, मुझे आजकल बहुत काम है, बहुत ज्यादा। मेला शुरू हो गया है। मेला? अदमरा में हर साल इन दिनों एक बड़ा शानदार मेला लगता है। जी। इसे शहजादों का मेला कहते हैं। इसमें तरह तरह के लोग आते हैं, चोर, बदमाश, कतरे, पुलिस का इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ मुझे मरने की फुर्सत नहीं और आप लोग मुझे सोने भी नहीं देते। अच्छा ये बताओ मयूर, शेड्यूल के हिसाब से हम लोग कहाँ हैं? सिर्फ 10 दिन और रह गए हमारे पास, फिर बरसात शुरू हो जाएगी। कल रात हम लोगों ने 2 फुट छत और खोदी, अब तकरीबन 12 फुट रह गई। बाकी काम खत्म होने में करीब 6 दिन और लगेंगे। मिसेस जोजो ने मेले पे जाने का कोई वक्त बताया था? नहीं माँ जी, तो जरा उनका नंबर तो लगा। माँ जी, घर के टेलीफोन एक्सटेंशन पे कोई बात कर रहा है। अच्छा टेलीफोन रख दो, तुम जाओ मंदा, जाओ। मिस्टर बिक्रम, जहाज बिल्कुल तैयार है, जब आप सफर के लिए तैयार हो तो कह दीजिएगा। जुमे की रात को क्रू के अलावा कुछ और आदमियों के खाने पीने का भी इंतजाम कर लेना। साहब हमें जाना कहाँ है? हिंदुस्तान। हमारे साथ काफी सामान होगा, इंतजाम एकदम पूरा होना चाहिए। आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। यारो, बहुत तेजी से काम करना होगा, बारिश सर पे आ रही है, वो भी वक्त से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ की बारिश तो हमेशा वक्त पर आती है, बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह, कभी आगे पीछे नहीं होती। कभी कभी घड़ी की सुई भी आगे पीछे हो जाती है। मैं हम सीधी बात क्यों नहीं करते, चंद घंटे बरसात और ऐसी रही तो ये गार ऊपर तक भर जाएगा और 8-10 हफ्ते तक इसी तरह भरा रहेगा। राज तो एक ही है दोस्तों, जम के काम करो। सत्यानाश, पूरा गार पानी से भर गया और थोड़ा पानी ऊपर आ गया तो सारे के सारे बांस बह जाएंगे। कुछ भी हो दोस्तों, हमें ये काम जारी रखना है। मेरा ख्याल है हमें 3 फुट और खोदना पड़ेगा। ऐसी हालत में तो इसे बारूद से उड़ाना होगा। बारूद? हाँ, लेकिन बारूद से तो बहुत बड़ा गार बन जाएगा। नहीं बनेगा, मुझे मालूम है कितनी बारूद रखनी है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। मैं डिपो तक जाता हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। अमर को गए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और अगर वो जल्दी ना आया तो सबकी एक राय पर पानी फिर जाएगा। माफ करना मुझे देर हो गई, ये है डायनामाइट और ये एक्सप्लोडर बॉक्स, दोनों को जल्दी से कनेक्शन कर दो। मैं कपड़े बदल लेता हूँ, जल्दी से डायनामाइट लगा दो। ओके, मैं टॉर्च दिखाता हूँ। विक्रम, ठीक 60 सेकंड के बाद डायनामाइट ब्लास्ट कर दो। ओके अमर, शुरू। ठीक 60 सेकंड के बाद मैं तुम्हें इशारा करूंगा। Thank you.
घबराओ मत रीटा, हम लोगों ने ब्लास्ट किया था। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आज मैं लुट गया। बाल बाल बच गए, चलो अब जल्दी से भाग चलो। मयूर, इस कुल्हाड़े के गिरने के थोड़ी देर के बाद दरवाजा बंद हुआ था, देखिए। खजाना लेकर बाहर निकल जाओ, मैं इसे रोक कर रखता हूं। Thank you.
खजाना मिला क्या? अब्दुल्ला तुम जाके जल्दी से कपड़े लेके आओ। हेलो कमिश्नर स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, मैंने अभी अभी मयूर के बागीचे में जेल से भागे हुए कैदी अब्दुल्ला को देखा है। क्या? मैं भी आया। तो अंदर जाओ, सबके साथ मिलकर सुराख बंद कर दो, किसी को पता ना चले हमने क्या किया था। साहब, आप लोग हमको अंदर बंद करके भाग तो नहीं जाएंगे ना? चुप है, हम कोई भगोड़े हैं? नहीं साहब, मैं तो ज्यादा मारते। जाओ चारों तरफ सर्च करो। तुम लोग खजाना छुपा दो, मैं इसे निपट लेता हूं। ठीक है। मिस्टर मयूर। कमिश्नर। मिस्टर मयूर, आपके दोस्त अमर कहाँ हैं? मिस्टर अमर, क्यों, क्या बात? मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो? वो साहब, साहब। गुड इवनिंग सर। इवनिंग मिस्टर अमर, सर रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैचिंग बटरफ्लाई सर। What nonsense! आप दोनों तरह अंदर आइए, आपसे जरूरी बातें करनी है। चलो, क्या करें? खजाना उठाओ और भागो यहाँ से। पिछले महीने चार निहायत खतरनाक कैदी बोबसा जेल से भाग गए थे, ये बात मालूम है आप लोगों को? ये बात? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था। पढ़ा नहीं था मयूर, उस रोज मिसेज जोजो ने बताया था ना? हाँ, मिसेज जोजो ने बताया था। क्या आपको इस बात का भी पता है कि इन चार मुजरिमों में से एक आपके यहाँ नौकर है? मेरे यहाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये नौकर कैसे आया? वो तो मैंने रखवाया था। आपने? जी हाँ, वो मेरी एक पहचान का नौकर एक दिन बाजार में मिल गया। कहने लगा कि एक बहुत अच्छा नौकर खाली है, मयूर को जरूरत थी, मैंने कहा भिजवा दो। वो नौकर जो आपको बाजार में मिला था, उसका नाम क्या है? अरे उसका नाम इस वक्त तो याद नहीं आता, कुछ ऐसा ही था, घनपत घनश्याम था, लेकिन गा सही। आप जीप गाड़ी चलाते हैं ना मिस्टर अमर? जी हाँ। पिछले महीने की चार तारीख की रात को एक बजे आप कहाँ? पिछले महीने की चार तारीख की रात को एक बजे किसे याद रह सकता है? याद कीजिए, कहाँ थे आप? कह दिया ना, मुझे याद नहीं। अमर, तुम्हारी याददाश्त बड़ी खराब होती जा रही है। भूल गए तुम? इन्होंने हमें खाने पे बुलाया, पार्टी। हाँ डार्लिंग, तुम भी भूल गई। पार्टी कितने बजे खत्म हुई? पार्टी तो जल्द खत्म हो गई थी, उसके बाद हम शतरंज खेल रहे थे। कब तक? आधी रात, बल्कि उसके बाद तक, तकरीबन तीन बज गए थे। ओ, मैं समझा। आप लोगों को जो तकलीफ हुई है माफी चाहता हूँ, लेकिन वो मिसेस जोजो ने अब्दुल्ला को जो कार्ड में देखा था वो? साहब, 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 आपने जो कहा था हमने कर दिया, सब तैयार है साहब, साहब, सब के सब। बाप, पुलिस, बाप रे बाप, अरे अरे अरे। तो ये बात है। ठीक है कमिश्नर साहब, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। समझ में नहीं आता ये चार चोर कौन से चोर रस्ते से शरीफों के घर में घुस आए। जो भी आपको कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिएगा। ठीक है, चलिए। लेडी सर, तो चलिए। आफ्टर यू। चलिए चलिए। क्या बात है, फिर क्यों रुक गए? चलो चलो, गेट मूविंग। कमिश्नर साहब, आखिरी बार गले मिल लें। सॉरी कमिश्नर साहब, मजबूरी। निकल गया हाथ से, लुटते हैं। अटेंशन,
हम बुटालिया के टेलीविजन सेंटर से बोल रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि जेल से भागे हुए चार कैदी इस एग्जीबिशन के मेन गेट पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी सिपाही जहाँ भी हो वो मेन गेट पर आ जाए। ये क्या कर रहा है? मेन गेट पे जा। मेन गेट जा, 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 जा। तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हैं? हाथी को देख रहे हैं। हाथी जी प्लीज छुप जाओ। देखा इसी तरह तरफ से चक्कर काट रहे हैं। खजाना हमने एक हाथी के औहदे पे छुपा दिया था और खुद यहाँ चढ़ बैठे। लेकिन एक महावत उल्लू का पट्टा उस हाथी को लेके चला गया। हाथी को ले गया मगर कहाँ? वही तो हम देख रहे हैं। अरे भाई मगर ऊपर बैठने से तो हाथी नहीं मिलेगा। खतरनाक लोग जिनके पास हथियार भी हो सकते हैं इस मेले में छुपे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सब पुलिस लाइन के पीछे आ जाएं ताकि इन बदमाशों को पकड़ने में हमें आसानी हो सके। आइए यहां गोली भी चल सकती है। सब इधर आ जाइए जल्दी। कमान कमान लोग सब लोग इधर आ जाइए। आइए ये तो पुलिस लाइन की तरफ जा रहा है। जम्बो आज बैठे आज चुप। जम्बो की औलाद तुम लोग को हाथी मिला था खजाना रखने के लिए। कांस्टेबल्स जरा होशियार रहना। वो बदमाश लोग एक भीड़ के साथ मिलकर बैठना। बी केयरफुल। आइए मायूस खून खराब नहीं। नो वायलेंस। चलो चलो बुला रहे हैं। अरे उन्हीं को बट ढूंढ रहे वो पुलिस ने कहा ना मेले में कोई खतरनाक आदमी है इधर आ जाओ इसलिए वो लगा रहे हैं। अरे वो खतरनाक आदमी हम ही तो हैं। हम जानते हैं आप लोग वहां छुपे हुए हैं। बेहतर होगा हाथ ऊपर करके सामने आ जाइए। आप लोगों से आखिरी बार कहा जाता है हाथ ऊपर करके सामने आ जाइए। माय गॉड ये तो बहुत बुरा हुआ। हाथी बिल्कुल पुलिस के पास जाकर खड़ा हो गया। पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। खजाने के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों हमारे साथ मिले हुए हो। रेडी एम कमिश्नर साहब ले जाएंगे दुल्हनिया ले जाएंगे। कमिश्नर साहब हम दोनों मासूम हैं। हमको गोली न मारना। लेकिन शेरू तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो मौज कर रहे हैं। साल में एक बार मेला आता है कमिश्नर साहब। लेकिन ये सब चक्कर क्या हम तो रंगने भंग क्यों है कमिश्नर साहब? पीछे हटो। कांस्टेबल्स सब लोग गोली चलाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं कमिश्नर साहब गोली मत चलाइएगा। क्यों? हाथी भी दग जाएगा। गोली की आवाज सुनकर ये सबको कुचल देगा। आपको भी कुचल देगा। हाँ इसलिए गोली मत चलाइए। सबसे पहले इसको बाहर निकालिए और फिर जो कुछ करना करिए। हाथी को पीछे ले जाओ बाहर ले जाओ। हाथी को हम ले जाएगा। ले जाएंगे ठीक है फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। Ready? Aim!
लोग पीछा कर तो यहाँ भी आ सकते हैं। जल्दी करो। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह कहाँ मर गया ये साला? अरे उल्लू का पट्टा हमें। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर नौजवानों, जो काम 3000 साल में कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। साथ देती हूँ तुम्हारी हिम्मत की। कहाँ है वो खजाना? खजाना? कौन सा खजाना? किस खजाने की बात कर रही है ये? बनो मत मेरे प्यारे अमर, मुझे सब मालूम है। शायद हमारे बिछड़े हुए साथियों ने यह सोचा होगा कि हम इनको धोखा देकर निकल गए। इन्होंने इनको सब कुछ बता दिया और सब मिले हुए। अरे ये सब क्या बताएंगे बेचारे, खुद इन्हें पुलिस से बचाया है मैंने, इसलिए कि तुम सब पकड़े ना जाओ। अगर मैं ऐसा ना करती तो जानते हो तेरे बजाय पुलिस तुम्हारा यहाँ स्वागत करती हथकड़ियों से। पुलिस के सामने मैंने तुम्हारे लिए झूठी गवाही क्यों दी थी कभी सोचा तुमने? तुमने मेरा मकान खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी ना, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि तुम क्यों खरीदना चाहते हो, और उस दिन से आज तक तुमने जो भी कुछ किया सब मेरी नजर के सामने है। जहाज के बारे में विक्रम और बहादुर में जो बातें हुई वो भी मुझे मालूम है। अब जल्दी से बता दो कहाँ है वो खजाना? क्या वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसका नाम है, या उससे भी बड़ा? अरे बोलो, कुछ तो कहो। कहाँ गई तुम्हारी जुबान? माँ जी इनकी जुबान चोर ले। ये सब तो ड्रामा है, विक्रम तुम बोलते क्यों नहीं? देख मैडम, ये जहाज हमारा है, यहाँ मुझसे पूछे बगैर आने का आपको कोई हक नहीं। इसके अलावा हमने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी करेंगे वो सब हमारा मामला है। खजाना है या नहीं, अगर है तो कहाँ है, ये सब भी पूछने का आपको कोई हक नहीं। चोरी के माल में सबका हिस्सा होता है। माँ जी, इस हालत और इस उम्र में खजाने से क्या लेना देना आपको? अब तो दुनिया के बखेड़ों से अलग हो जाइए और बस राम नाम जपिए, बाकी और कोई सेवा हो तो हमें बताइए। वो भी बताऊंगी, वक्त आने दो। इस वक्त आप सब थके हुए होंगे, आराम कीजिए, सुबह बातें होंगी। अब्दुल्ला, जहाज के कप्तान और खलासियों को छोड़ दिया जाए। चलो। जान मारी हमने की, मुसीबत हमने उठाई, और हिस्सा बटाने आ गई ये मक्कार बुढ़िया। इस काम में मेरी भी भागीदारी है बुढ़िया, क्या उसका बाप भी बीच में आया तो साले की टांग तोड़ दूंगा। अरे टांगे तोड़ने से क्या होता है यार, तरकीब सोचो। अमर तुम ही बताओ यार, इस बुढ़िया से कैसे पीछा छुड़ा? विक्रम, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अमर ने जबान दिया हमारे साथ देने की, और मुझे यकीन है कि अमर अपनी जबान से नहीं फिरेगा। माना कि मैंने जबान दी है तुम्हारा साथ देने की, लेकिन ये वायदा तो नहीं किया था कि किसी का खून कर दें। और खून भी किसका, एक बूढ़ी अपाहिज औरत का? अमर, इस काम में तुम्हारा हरगिज साथ नहीं देखा, मुझे पूरा भरोसा है अमर पर। भरोसा? भरोसे का मतलब समझते हो तुम? एक तरफ वो निकम्मी बेकार बुढ़िया, दूसरी तरफ ये करोड़ों का खजाना। इस खजाने को यहां तक लाने में हमने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें रुपया दिया, अपनी जान को खतरे में डाला है। क्या किया उस बुढ़िया ने? भरोसा हमने किया तुम पर, और तुम लोग बुढ़िया से मिलकर हमें डबल क्रॉस कर रहे हो। शेरू, अगर तुमने फिर ऐसी बात मुंह से निकाली मैं तुम्हारा गला खोद दूंगा। तुम्हें हमारी नीयत पर शुबा है? मैं नीयत में कुछ नहीं जानता, लाखों करोड़ों रुपए का मामला है। ये तो इतनी बड़ी रकम है साहब, मैं तो 10 रुपए के लिए किसी का खून कर दूं। जब उल्लू के पट्टे। अमर, तुम अभी तक मेरी समझ में नहीं आए मेरे दोस्त। एक तरफ तुम हमारा साथ देने का वादा भी करते हो और दूसरी तरफ हमारी बात भी करते हो। मैं किसी का खून करने के हक में नहीं हूं, मैं हमेशा इस काम की मुखालफत करूंगा। साहब, मैं फिर कहता हूं, सीधा रास्ता यही है कि बुढ़िया को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाए। काम सादे। अमर, एक पुरानी कहावत है, कुत्ते की जात पहचाननी हो तो उसके आगे हड्डी डाल दो, और आदमी को पहचानना हो तो उसे दौलत और ताकत दे दो। वो कहावत आज ठीक ही साबित हो रही है। वैसे भी ये लोग इस वक्त नशे में हैं, इनसे सुबह बात होगी। चलो। तुम भगते हो, नशे में हम नहीं तुम। हो
जो बहे जोगी चुप कैसे रहे अब देवता कुछ भी नहीं मानवता कुछ भी नहीं यारों से यारी गई वो दिलदारी गई ऐसी छाया तले हम दीवाने भले कैसा प्यार कहाँ की दोस्ती कैसा रिश्ता नाता तेरे होते इंसान तेरा शैतान हुआ ओ दाता पर ये क्यों कह रहे हम दीवाने तेरी दुनिया कैसी तू जाने जीवन पथ पे निकले डोबल को हम तो अपने जी को बहलाने अपना क्या है हम तो अनजाने हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहा तो तुम क्या बात है कुछ नहीं वो सब वहाँ जमा है आपको बुला रहे हैं सब कौन सब के सब इतनी रात गए साहब लोग हैं मैं क्या जा अच्छा मंदा को बुला दो जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ अच्छों की भलाई और गुरु के नाश के लिए तुम मेरे पुराने दोस्त हो लेकिन अब अगर किसी ने हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तारीख के पन्नों गवाह है ना अपनी इस हरकत पर हम बेहद शर्मिंदा हैं सुने निकला लेकिन आज पहली और आखिरी बार हमारी आंख से यह आदर्श ठपका है फोफो ये हमारा आदर्श ले जाओ और इसको बटा लेके चिड़ियाघर में रख दो चिड़ियाघर नहीं हजूर म्यूजियम ओके म्यूजियम यू ही डेट बाबा और कैसे ये नहीं याद करेंगी पूरे नाम से खजाना तो चोरी हो गया और हम कुछ ना कर सके अफसोस Thank you.
नहीं खुला। ये सब क्यों लड़ रही है? आपकी वजह से। मेरी? हमा जी, ये लोग समझते हैं हम भी आपसे मिल गए और सारे खजाने पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं नहीं, उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं। तुम दरवाजा खोलो, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन दरवाजा खोलेंगे तो वो लोग आपको मार डालेंगे। नहीं मारेंगे, और अगर मार भी डालेंगे तो क्या हुआ, मुझे उसकी परवाह नहीं। दोस्तों में लड़ाई हो ये मुझे पसंद नहीं। रीटा, तुम दरवाजा खोलो। खोलो? नहीं माँ जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इंसानों से बात करने का यही तरीका है जिस तरह तुम कर रही हो। देखा अमर, बहुत भरोसा था ना तुम्हें इनके ऊपर, खुल गई ना इसलिए। तुम लोग गलत मत समझो, तुम्हारे और मेरे बीच भगवान है। अगर तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है, इसे एक लफ्ज पर भी तुम्हारा ईमान है, तो मेरा विश्वास करो, कोई ऐसी बात ना होगी जिसका तुम्हें पछतावा। मुंह पे राम राम और बगल में छुरी, हाथ में पिस्तौल लिए बैठी और गीता सामने कर दी। हाँ माँ जी, आप पिस्तौल लेकर क्यों आई? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप कर क्या रही हैं। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। यह पिस्तौल सिर्फ लड़ाई बंद करवाने के लिए था। और ये मोड़ इसलिए नहीं आया कि वो माया देवी पर काबू नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनमें से कोई और खून खराबे के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सोचा कुछ देर के लिए एक बूढ़ी अपाहज औरत की बात मांग लेने में क्या हर्ज है। आने की खबर इन बच्चों को मैंने दी, जिनके लिए मैं खजाना लेना चाहती हूँ वो ये मासूम और यतीम बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें भगवान ने ना सिर्फ माँ बाप के प्यार बल्कि जिंदगी की हर खुशी से महरूम कर दिया है। एक दिन तुम भी बाप बनोगे। भगवान ना करे अगर तुम्हारी औलाद ऐसे निकल जाए तो क्या तुम्हारा कलेजा नहीं फट जाएगा? अपनी औलाद की बेबसी और लाचारी पे तुम्हारी आंखें खून के आंसू नहीं भाई। ये बच्चे भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे, मेरे और सारे समाज की जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ ये खजाना देते हुए तुम्हारा दिल दुख रहा है, लेकिन मुझे बताओ इस खजाने पे तुम्हारा क्या अधिकार है? अमर, मयूर, तुम सब बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें चोरों में शामिल करना नहीं चाहती। अपनी और अपने बच्चों की जान का सदका समझकर ये खजाना इन नाबालिग बच्चों को दे दो। Thank you.
समाएंगे यही प्यार के नजराने, ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने, जीवन पथ पे निकले दो पल को, हम तो अपने जी को बहलाने, अपना क्या है हम तो अनजाने, ओ तेरी दुनिया कैसी तू जाने।